नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती भारतीय महिला पूर्व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। वह बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष है। बहन कुमारी मायावती भारतीय महिला सबसे पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ वह सबसे पूर्व प्रथम दलित मुख्यमंत्री का श्रेय भी प्राप्त है। वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वह काशीराम जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थी, इसलिए ही उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विद्यालय में शिक्षिका से की थी। बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनकी माता का नाम रामवती व पिता का नाम प्रभु दयाल था। उनके पिता दूर संचार केंद्र में अफसर थे। उनके 6 भाई थे। बहन कुमारी मायावती दिल्ली के विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की और PhD की डिग्री भी प्राप्त की। उनके पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती स्कूल में शिक्षिका बन गईं। बहन कुमारी मायावती काशीराम जी के कार्यों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने उनके ही कदम पर चलना चाहा। ऐसा करने से उनके पिताजी उनसे बहुत ही दुखी रहने लगे। वह उनसे खुश नहीं रहते थे क्योंकि वह अपनी पुत्री को कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने काशीराम जी के परियोजना कार्य में उनका साथ दिया था। 1984 में काशीराम जी ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहन कुमारी मायावती ने अपनी शिक्षिका की नौकरी छोड़कर कार्यकर्ता बन गई। 1985 और 1987 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार 1989 में उन्होंने 13 सीटें प्राप्त कर ली। 1995 में उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2001 में काशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मुकाम हासिल किया जैसा कि इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। बहन कुमारी मायावती ने दलित समाज के प्रति अपना विश्वास बनाया। बहन कुमारी मायावती के समर्थनों ने भी उनका खूब साथ दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।